देखिए आज की जो बैठक हमने बुलाया था ये रूटीन बैठक है, हम लोग आपस में बैठते हैं, सब लोग बैठ के गपशप करते हैं, फील्ड की जो चीज़ें रहती हैं प्लस माइनस जो चीज़ें रहता है वो सामने आता है, उस पर हम लोग काम करते हैं, इसीलिए आज हम लोगों ने बैठे थे। और साथ ही साथ अभी का समय कुछ जिलों में कुछ अलग बातें होती रहती हैं, इसमें आप लोग अच्छा भूमिका निभाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सब लोगों से बातचीत रहें और गलत चीज़ों को बिल्कुल ही सामने रखें, प्रशासन के सामने रखें और प्रशासन उसे टैकल करें। प्रशासन निश्चित रूप से आपकी सूचना पर काम करती है और जब भी कोई मैसेज आएगा, कोई बातें आएंगी, तो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगी और कार्रवाई पॉजिटिव होगा और समाज बेहतर चले, अच्छा से चले, समाज खुशहाल रहे, इसी कामना में हम लोग रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों से भी फीडबैक लें और जो सही चीज़ें हों उसको समाज में रखें और कोई गलतियाँ भी है समाज में है तो उसको भी ठीक करें। अगर आप लोगों की न्यूज़ प्राप्त होती है और न्यूज़ इस हिसाब से रहता है कि किया जाए, क्योंकि दो तरह की न्यूज़ें होती हैं, एक तो निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो, एक ऐसा न्यूज़ होता है जिस न्यूज़ पर समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसी न्यूज पर हम लोग को सावधान रहने की भी जरूरत है कि सामने हम लोगों के नजर में आए ताकि हम लोग कार्रवाई कर सकें और समाज को अच्छे हंसी खुशी माहौल में रहने के लिए अच्छा माहौल दे सकें। हेमंत बिगा वाले में तो कार्रवाई हुई ना सर? हेमंत बिगा वाले में भी एफ आई आर हुई है और कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो मामला ही ऐसा नहीं है, वो छोटी मोटी बातें थी, आपस में लोग झगड़ा किए थे, वो ऐसा कुछ मामला ही नहीं है, लोग तो एफ आई आर भी नहीं करना चाह रहे थे, जवाब देंगे कि तुम एफ आई आर करो कम से कम उसको बॉन्ड में तो ला सकें हम लोग, तो एफ आई आर हम लोग ने करवाया है लेकिन ऐसा कोई मामला ही नहीं है। एफ आई आर 31 तारीख को दर्ज हुई है, ठीक है, और ये तो आपस में दो व्यक्तियों का झगड़ा है, कोई ऐसा मामला ही नहीं है। थैंक यू।